न्यूज 18 के पास जम्मू कश्मीर के रियासी में जो हुए आतंकी हमला है उसके चंद मिनट पहले का एक सीसीटीवी फुटेज हाथ आ चुका है। वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे जिसमें सफेद बस आपको नजर आएगी, श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी लेकर जा रही है सफेद बस। कल शाम 6 बजे का ये वीडियो बताया जा रहा है। लीजिए अब आप ये वीडियो देखिए। ये वो बस है जिन पर आतंकियों ने अटैक कर दिया है। इस बस में सवार कई लोग घायल हो गए हैं और 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिवली आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप वो बस देख पाएंगे जो शिवकोरी जा रही थी। शिवकोरी वैष्णो देवी से ऊपर पड़ता है और वैष्णो देवी में दर्शन करने के बाद लोग शिवकोरी की तरफ कूच करते हैं। ये बस जो खचाखच भरी हुई थी जिसमें कई यात्री सवार थे, अंधाधुंध इस बस के ऊपर आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सबसे पहले ड्राइवर को गोली लगी और ड्राइवर की ऑन स्पॉट डेथ होगी। उसके बाद बस ने अपना आपा खोते हुए गहरी खाई में बस जा गिरी जिसमें 33 लोग घायल हुए और 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अभी न्यूज 18 की टीम के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है उस फुटेज का जिसमें जो जिस बस को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से उसकी फुटेज आप देख पाएंगे। ये 6:10 पे ये हादसा हुआ है और 6 बजे की ये फुटेज है जिसमें उस बस को आप देख सकते हैं कि यो जो बस है वो शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। आप देखें यही वो बस है, आप देखें न्यूज 18 के माध्यम से एक्सक्लूसिव फुटेज, वही यही वो बस है जो 6 बजे की फुटेज यहां पे आप देख सकते हैं और 10 मिनट के बाद ये हादसा होता है और ये शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जो है ये बस जा रही थी जब घात लगा के कुछ आतंकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ड्राइवर को हिट हुआ और ये बताया जाता है कि ड्राइवर को बुलेट हिट हुई है, उसके बाद ड्राइवर का जो नियंत्रण था उस बस पे हट गया और साथ में ही जो खाई थी उसमें बस जा गई जिसके बाद भी आतंकवादी नहीं रुके, उसके बाद भी ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई गई बस पे। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की जुड़ी हुई 5 और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर हादसे को विस्तार से समझाती हैं। देखिए बस पर आतंकी अटैक हुआ, खाई में बस गिर गई, श्रद्धालुओं की मौत हुई है, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और अमित शाह एक्शन मोड में है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बख्शे नहीं जाएंगे आतंकवादी। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमले के बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। इस आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। आतंकी हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से पूरी जानकारी ली है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, श्रद्धालुओं की बस पर गोलीबारी, कायराना करतूत का मिलेगा करारा जवाब। खाई में गिरी बस, चारों तरफ मची चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल और सुरक्षा बल की चौकसी। ये किसी हादसे की तस्वीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की तस्वीर है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस को निशाना बनाया, बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिससे ड्राइवर ने बस पर से अपना संतुलन खो दिया और श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा गिरी। हुआ क्या है यहाँ पे? आप कहाँ गए थे? आप ही ऊपर बैठो, आप ही ऊपर बैठो आंटी, आप ही ऊपर बैठो आंटी जी। आप गए कहाँ पे थे? ये शिवखोड़ी कंडा इलाका जो है वो राजौरी के साथ, राजौरी जिले के साथ सटा हुआ इलाका है। कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो राजौरी की जो है वो सरहद शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आती है जहां पर आतंकी जो है वो पहले से ही घात लगा करके बैठे हुए थे जिसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ गोलीबारी जो थी वो बस के चालक के ऊपर और बस के टायर के ऊपर जो थी वो की थी। ऐसी जो है वो जानकारी फिलहाल हमारे पास पहुंच पा रही है। संदिग्ध आतंकियों की गोलीबारी में बस में सवार 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये
इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं, उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। संदिग्ध आतंकियों ने शिवघोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस पर ओपन फायरिंग की जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में गिर गई। इस बस में सवार ज्यादातर श्रद्धालु दिल्ली और उत्तर प्रदेश के थे। आतंकियों की तरफ से हुए इस कायराना हमले के बाद सुरक्षा बल ने शिवघोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया। हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जिस घटना स्थल पर आतंकियों ने जो है वो कायराना हरकत की है और उसके बाद जो है वो ये आप मुस्तैदी जो है वो सुरक्षा एजेंसीज की इस समय साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या आर्मी के जवान हो वो फिलहाल जो है अपनी पोजीशन पर इस समय जो है वो अलर्ट हैं और आतंकियों को जो है वो जल्द ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा। यही एक कोशिश जो है इन सुरक्षा एजेंसीज के सभी जवानों की बनी हुई है। सूत्रों का दावा है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकी उसी ग्रुप के सदस्य हैं जो राजौरी पुंछ और रियासी के पहाड़ी जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल की शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में दो किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उधर रियासी में हुए आतंकी हमले की केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निंदा की और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना से दुखी हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की है और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और वहाँ के हालातों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कायर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।